हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज अपन देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या होता है, अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 9604। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लाइन खींच देते हैं इसके अंदर, है ना। और फिर पीछे से पेयरिंग करते हैं, कहाँ से पीछे से पेयरिंग करते हैं, 40 और 69, ये ऐसे पेयरिंग हो गई। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए काफी तक। यानी मान लो ये तो मान लो कि 25 स्क्वायर तक याद तो होनी चाहिए, 25 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी इससे ऊपर अगर आपको निकालना आता हो तो मेरे और भी वीडियोस डाल रखे हैं मैंने स्क्वायर निकालने के, आप उनसे देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन देखते हैं कि 96 जो है वो किसके स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है, किसके स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं 8 का स्क्वायर इज 64 और 9 का स्क्वायर इज 81 और 10 का स्क्वायर इज 100। तो किस किस के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो वी कैन से कि भी 9 का स्क्वायर ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 81 आ गया। ये जो लिया है यहाँ पर, यही नंबर यहाँ लेते हैं, यहाँ जो नंबर लेते हैं वो यहाँ लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ नंबर लेते हैं वही अपन यहाँ लेते हैं। क्लियर है, क्या कह रहा हूँ मैं, ये इसका स्क्वायर यहाँ रख दिया और ये जो नंबर लेते हैं वो यहाँ लेते हैं और ये जो नंबर लेते हैं वो यहाँ लेते हैं। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 1 और 8 आ गया है 18। क्लियर है, और इधर माइनस कर देते हैं, तो 6-1 is 5 एंड 9-8 is 1 0 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नंबर लेने होते हैं, देखो लास्ट में जो 4 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, लास्ट में जो 4 आ रहा है। तो देखो अपन क्या करें, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इन दो के स्क्वायर में ही 4 आते हैं लास्ट में। क्लियर है, देख रहे हो, 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में ही 4 आते हैं। तो यहां पर अपन इन दोनों में से कोई एक नंबर लेंगे, या तो 182 लेते हैं, 2 2 4 8 2 16 और 2 1 3 3 64। ये तो नहीं है, तो इसके अलावा क्या लेंगे, 188 into 8, मतलब उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो भी नंबर लेंगे अपन उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर एक नंबर अज्यूम कर रहे हैं अपन, वो अजम्पशन क्या होगा, या तो 2 या 8। ये कैसे पता लगा, इस नंबर को देख के, लास्ट वाले नंबर को देख के क्या पता लगा, कि या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्लियर है, तो 8 8 जा 64 कैरी 6 8 8 जा 64 कैरी 6 is 0। ठीक है, तो 70 और 8 और 7 15। क्लियर है, तो क्या आया, 15 0 4। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा, 8, यहाँ पे भी 8। अब ये खत्म हो गया तो ये ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाला नंबर आया वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है, तो यानी कि ये 9604 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 98 होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब एक अपन ने कितने नंबर का लिया है, 4 नंबर का, एक अपन 5 नंबर का भी ले लेते हैं। ठीक है, एक 5 नंबर का ले लेते हैं, तो इसको बिठा देते हैं, फिर आप खुद मेरे को, मैं आपको कुछ दूंगा क्वेश्चंस करके दिखाना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, ठीक है, 1 2 5 4 4 1 2 5 4 4 ले लेते हैं। ठीक है, पीछे से पेयरिंग करते हैं, 2 2, हमेशा 2 2 की पेयरिंग करेंगे और जो लास्ट में जो बच जाएगा, चाहे वो 1 हो चाहे 2, इसको सिंपल पेयरिंग कर देंगे। क्लियर है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले 1 से, ना। तो 1 किसका स्क्वायर है, या फिर 1 से जो छोटा स्क्वायर है वो क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर इज स्मॉलर, यस। तो ये आ गया 1, ये 1, ये 1, सही है। 1 + 1 is 2, 1 - 1 is 0 और ऊपर से आएगा 25। हमेशा पेयर पूरा उतरता है, हमेशा पेयर ही पूरा उतरता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लेंगे, 2 1 ले लेते हैं, तो ये 21 हो जाएगा। अगर मैं 2 2 लेता हूँ तो ये 44 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा है। तो अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ आ गया 21। क्लियर है, फिर वापस ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, इधर 4 आया और ऊपर से 4 4 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 22। यहाँ पे फिर से एक नंबर अज्यूम करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लास्ट में जब 4 आ रहा हो तो क्या करेंगे अपन, एकदम एंड में होता है इस चीज का जो अजम्पशन होता है ना, वो एंड में होता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे लास्ट वाले नंबर को देख के अपन अजम्पशन लगाते हैं कि या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन ने ले लिया, 2 2 2 ले लेते हैं, 2 2 जब 4, सही है। तो ये का यही नंबर आ गया,
प्लस टू दिस इज फोर फोर फोर, क्लियर। तो ये अपने पास नीचे जो जो आया वन, यहाँ पे भी वन और यहाँ पर टू, तो ये क्या आया कि वन टू फाइव फोर फोर का स्क्वायर रूट अपने पास आ गया वन वन टू, ठीक है, क्लियर है।